Hi friends, welcome to the desk Deva English spoken class. Friends, this, that, these or those, ये चार वैसे वर्ड हैं जिनको सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि this क्या होता है, that क्या होता है, these क्या होता है और those क्या होता है. But इनके इस्तेमाल में अक्सर लोग confused हो जाते हैं कि कहाँ this का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ that का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं और किसके लिए दोज का इस्तेमाल करते हैं. और दो वर्ड हैं जैसे ही और दे, तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस जगह पर दिस का इस्तेमाल करें कि ही का इस्तेमाल करें, वहाँ पर हम दोज का इस्तेमाल करें कि दे का इस्तेमाल करें. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं दिस those, this, that and he or they के इस्तेमाल में. So let's start the class of the day. Friends, this का मतलब होता है ये या यह. आप ये भी कह सकते हैं या यह भी कह सकते हैं. ठीक है friends, but इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? अगर कोई चीज़ हमारे पास में है, यानी कि नज़दीक है, यानी कि बिल्कुल ही करीब है, अगर हम उसके बारे में कुछ बोलते हैं, जैसे कि कोई किताब है, कोई भी किताब ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, वो पास में है, आपके पास में है, यहाँ पर है, तो हम बोलेंगे कि ये एक किताब है. तो वहाँ पर बोलेंगे हम दिस इज़ अ बुक. हम वहाँ पर ये एक किताब भी बोल सकते हैं और यह एक किताब है ये भी बोल सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, अगर यही बुक हमसे दूर होती है, दूर, तो हम बोलेंगे दैट इज़ अ बुक. हम बोलेंगे दैट इज़ अ बुक. ओके फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ जब नज़दीक होती है और उसके लिए हम ये का और यह का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हम उसके लिए दिस बोलते हैं. अगर कोई चीज़ हमसे दूर होती है और उसके लिए हम वो का इस्तेमाल कर रहे हैं या वह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं. ओके फ्रेंड्स, सिंपल है कि नज़दीक वाली चीज़ों के लिए दिस और दूर वाली चीज़ों के लिए दैट. ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर एक किताब की जगह बहुत सारी किताबें हैं, यानी कि एक से ज़्यादा किताबें हैं, यानी कि बहुवचन, यानी कि प्लूरल नंबर में है, तो उसको हम ऐसे बोलेंगे कि ये किताबें हैं या ये सब किताबें हैं, तो हम कहेंगे दीज आर बुक्स. अगर यही सारी किताबें दूर हो, तो हम बोलेंगे कि वो किताबें हैं या वे किताबें हैं या वो सब किताबें हैं. हम कई तरीके से बोलते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में बोलते हैं कि दोज आर बुक्स. लेकिन कभी कभी ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि कोई आदमी अगर हमारे पास में खड़ा हो, तो हम सोचने लगते हैं कि इसको हम दिस बोले कि ही बोले. ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई शख्स, कोई लिविंग थिंग्स हमारे पास में है, जैसे कोई लड़का है, मान लो उसका नाम संजय है, तो संजय हमारे पास खड़ा है, तो हम बोलेंगे किसी को बताते हुए कि ये संजय है, दिस इज़ संजय. या हम वहाँ पर दिस की जगह किसी और चीज़ का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यह संजय है, ही इज़ संजय. अभी आप बोलेंगे कि ही का मतलब तो वह होता है, तो ये के लिए हमने ही का इस्तेमाल क्यों किया? तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में ऐसा होता है, हम दिस के लिए अगर लिविंग थिंग्स है तो ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर यही चीज़ दूर है, वो लड़का है, जैसे संजय दूर खड़ा है, तो हम बोलेंगे दैट इज़ संजय. और फ्रेंड्स, हम वहाँ पर भी ही इज़ संजय बोल सकते हैं. तो हुई ना मज़ेदार बात, आपको अब लगेगा कि यह के लिए भी ही का इस्तेमाल और वह के लिए भी ही का इस्तेमाल, ये कहाँ की बात हुई, कहाँ की समझदारी हुई? तो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश में यही तो फनी चीज़ है. ओके फ्रेंड्स, यह के लिए भी ही और वह के लिए भी हम ही बोल सकते हैं, और हम दिस और दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ संजय, ही इज़ संजय, नज़दीक है तो, वही संजय दूर है तो दैट इज़ संजय या ही इज़ संजय. ओके फ्रेंड्स, अभी हम दिस और दोज के बारे में जानते हैं. जैसे कि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, कि ये सब किताबें हैं, तो दीज आर बुक्स, या ये किताबें हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं. वही सारी किताबें जब दूर होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं वे किताबें हैं या वो सब
किताबें हैं, तो उसके लिए हम दोज आर बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, दोज का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट वहाँ पर हम दोज की जगह किसी और शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है, दे। ओके फ्रेंड्स, दे आर बुक्स। हम दे का इस्तेमाल लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए ही हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हम वहाँ पर बोल सकते हैं कि दे आर बुक्स। वो सब कुर्सियाँ हैं या वो कुर्सियाँ हैं, दोज आर चेयर्स या दे आर चेयर्स। लेकिन ध्यान रहे, अगर यह एक किताब है, हम बोल रहे हैं दिस इज़ अ बुक, तो वहाँ पर हम ही इज़ अ बुक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही का इस्तेमाल नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दिस का ही इस्तेमाल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यह वह दिस दोज दे और ही के बीच में क्या संबंध है, क्या फ़र्क है, क्या अंतर है और क्या कन्फ्यूज़न था वहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, हम कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे, उसके द्वारा आप समझते जाना। ये एक कलम है, दिस इज अ पेन। वो एक कलम है, यानी कि दूर है, दैट इज़ अ पेन। ये कलमें हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हैं, ये सब कलमें हैं, दिस आर पेन्स। वो या वे कलमें हैं या वो सब कलमें हैं, जब दूर होगा तब, दोज आर पेन्स, या हम उसकी जगह पर दे आर पेन्स भी बोल सकते हैं। ये सब गाय हैं, दिस आर काउज। वो सब गाय हैं दूर, दोज आर काउज या दे आर काउज। यह सुधीर है, दिस इज सुधीर। वो सुधीर है, दैट इज सुधीर या ही इज सुधीर। ये सुधीर और रमेश है, दिस आर सुधीर एंड रमेश। अगर लिविंग थिंग्स में भी एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर भी हम दीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूर है तो दोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम वहाँ पर दीज और दोज की जगह पर हम दे का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये सुधीर और रमेश हैं, दीज आर सुधीर एंड रमेश, या हम बोल सकते हैं दे आर सुधीर एंड रमेश। वो सुधीर एंड रमेश हैं, दोज आर सुधीर एंड रमेश, या हम बोल सकते हैं दे आर सुधीर एंड रमेश। यह एक पेड़ है, दिस इज़ अ ट्री। वो एक पेड़ है, दैट इज़ अ ट्री। ये पेड़ हैं, यानी कि ये सब पेड़ हैं, दिस आर ट्रीज या दे आर ट्रीज। वो पेड़ हैं, यानी कि वो सब पेड़ हैं, दोज आर ट्रीज या दे आर ट्रीज। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दिस दैट, दिस दोज और ही दे का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कब करते हैं और किस सूरत में करते हैं, इनमें समानता क्या है, क्या इनके अंदर संबंध है और किस तरह से इनका सही तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए, वीडियो को अपने कम से कम एक दोस्त को शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि हर वो इंसान जो इंग्लिश सीखना चाहता है और उनके पास पर्याप्त इकोनॉमी नहीं है, पैसे नहीं हैं क्लास में जाकर ज्वाइन करके सीखने की, तो वो घर बैठे इंग्लिश सीख सके। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है, जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, सारे वीडियोज आ जाएंगे। यहाँ पर 7 वीडियो हैं, इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।